ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। राजधानी देहरादून में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। देहरादून के सभी शिव मंदिरों में शुक्रवार सुबह से ही लोग जलाभिषेक करते दिखाई दिए, जबकि गुरुवार रात से ही हल्की बारिश हुई थी जो सुबह के वक्त तक होती रही। बावजूद भी श्रद्धालुओं में शिव के प्रति अपार भक्ति दिखाई दी, तो वहीं धर्मपुर के प्राचीन शिव मंदिर में सैकड़ों की संख्या में लोग जलाभिषेक करते नजर आए। वहीं प्राचीन शिव मंदिर के प्रमुख पुजारी आचार्य अरुण सती ने बताया कि इस वर्ष महाशिवरात्रि का अलग संयोग है। उन्होंने कहा कि ये योग इस बार शिवरात्रि के अवसर पर देखने को मिला है, जो बहुत ही शुभ संकेत है। आपको बता दें कि देहरादून के सुप्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर की अपने आप में एक अलग ही पहचान है। इस मंदिर में महाशिवरात्रि पर देहरादून ही नहीं बल्कि राज्य की अन्य जगहों से भी लोग अपने परिवारों के साथ आते हैं। टपकेश्वर मंदिर में 1,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस अवसर पर शिवसेना के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष गौरव ने टपकेश्वर महादेव के शिवालय पर जलाभिषेक कर प्रदेश व देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। शुभ और फलदायी है, क्योंकि आज का जो महापर्व है शिवरात्रि का पर्व, यह पूर्ण चारों प्रहरों में पूर्ण रूप से पर्याप्त जा रहा है, जिससे भक्तजन चारों प्रहरों का अभिषेक इसमें कर सकते हैं और परम पुण्य अर्जन कर सकते हैं। भगवान शंकर आज माँ पार्वती का जो मिलन है उसी का रूप आज महाशिवरात्रि के रूप में है, तो अपने आप में महापर्व है। आज वर्षों बाद ये योग देखने को मिला है, इसका महत्व क्या है छोटे बताएं। आज विशेष रूप से यह जो संवत है परिधावी नाम का, इसमें शिवरात्रि महापर्व का महत्व विशेष है, क्योंकि यह कई वर्षों बाद का संयोग है। इसमें भगवान शिव और पार्वती साक्षात स्वरूप में जो है द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अपनी पूजा स्वीकार करते हैं। जो भी भक्त जिस भी स्वरूप से, जिस भी भाव से, जिस भी रूप में, जिस भी कामना के लिए आज के दिन भगवान को भेजेगा, अवश्य ही उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसे हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आपके चरण के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और देख रहे हैं आप तरीके से का उनको अवसर मिला।
प्रदान हो। अब देखना होगा वही संस्था जो मंत्री कमेटी वो द्वारा व्यवस्था की बात करें तो चूक व्यवस्था नहीं की गई, जो शुरू से की है अभिषेक करने में किसी की दिक्कत न हो, उसके बंदोबस्त किए गए, वॉलंटियर लगाए गए हैं, खासकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद दिखाई देते हैं। अब देखना होगा खासकर श्रद्धालु घंटों बाद यहाँ तक पहुँचे, हमने दूरी पर हैं, आइए जाने की कोशिश करते हैं क्या कहना है उनका, आइए श्रद्धालु से जाने की कोशिश क्या कहना है। जी मेरा नाम प्रेमलाल मौर्या है। कब से लाइन में लगे हुए यहाँ तक, कितने घंटे बाद आए हैं? हमें करीब आधा घंटा पौने घंटा हो गया यहाँ पर लाइन में लगे हैं, जबकि हम जैसे पास से आए हैं और हम घोड़े के दर्शन करना चाहते हैं भोले बाबा के। और हम भोले जी क्या लगता है, वीआईपी पास से आए तब दो घंटे डेढ़ घंटे लगा, जब नॉर्मल लाइन में आते हैं टाइम लगता है कम से कम 4 घंटे लगते हैं, 3 से 4 घंटे का अनुमान लगा के चलते हैं। और नॉर्मल लाइन अभी काफ़ी लंबी है, तो खासकर बात से बात की है इसको लेकर, क्या पहले से ही लगा बैठे नहीं जाएंगे? पहले नहीं, सर्वप्रथम ने देखा यहाँ पे लाइन होगी, सर्वप्रथम हमने अपने घर के पास जो हमारे बड़े बच्चे हैं हमने पानी जल चढ़ाया, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए हैं जो चार दरबार में, और अभी हमें आधा घंटा करीब मौलम जाएगा दरबार। अब ये नहीं देखा कि उन्होंने बताया कि वीआईपी पास एंट्री की तरफ से एंट्री हुई है कि वीआईपी पास से, इसके बावजूद भी घंटों बाद यहाँ अपना नंबर लगा पाए, वहाँ पे जवाब से करने का मौका मिला, ऐसे कहीं से नॉर्मल जो लाइने हैं आप जल के जो लगाए गए हैं उसमें से 3 से 4 घंटे के बाद इंतजार करना होता है। ये खासकर यही एक वक्ता है कि जो डबकेश्वर मंदिर हर कोई मिला करना चाहता है, ये खासकर शिवरात्रि के दिन बहुत ही अनोखा अंदाज होता है यहाँ का जलाभिषेक करने का, मान्यता मानी गई है, बहुत अच्छे है। आइए कुछ हमारे साथ महिलाएं हैं जाने को, कब से लाइन में लगे हुए हैं? कितना टाइम हो गया प्रियंका जी? मतलब खासकर मंदिर बहुत सारे डबकेश्वर क्यों आते हैं? बच्चों के साथ में हर साल आते हैं, ये थे उन्होंने बताया कि मंदिर जो यहाँ पे प्राचीन मंदिर कहा जाता है कि यहाँ के जो लोगों की श्रद्धा है बहुत बढ़ी है, हर कोई डबकेश्वर का दीदार करना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि जलाभिषेक करने का एक मौका मिले तो डबकेश्वर महामंदिर। वीडियो जर्नलिस्ट मनु साह के साथ आलोक समाज श्रमिक मंत्री।